नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी लंबे समय से कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे। जैसे भी हाल ही में राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है वो भी हुई, लेकिन एक समस्या वहां हुई कि 15 गुना विद्यार्थियों को ही वहां सीईटी के आधार पर जो है एग्जाम में शामिल किया गया। तो ये एक समस्या आई उन सभी विद्यार्थियों के सामने जिन्होंने राजस्थान पुलिस को पास किया था और उन्होंने ये सोचा कि हमारा नंबर इसके अंदर आ जाएगा और हम लोग 15 गुना के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो विद्यार्थियों के सामने एक समस्या आकर खड़ी हो गई। लेकिन अब आपकी जो तैयारी उस समय आप लोगों ने की थी वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है विद्यार्थियों, बस आपको अपनी उस तैयारी को दोबारा से निखारना है, उसे थोड़ा सा और अच्छा बनाना है, ताकि आने वाली जो नई वैकेंसी आप लोगों के सामने है पशु परिचर, इसमें आप सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी को शुरू नहीं किया है तो घबराइए मत, अभी भी आप लोगों के पास इतना समय है कि अगर आज भी आप लोग इस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बता दूं कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, क्या इस एग्जाम का सिलेबस जो है वो रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आप देखें इस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर कुल आपके 150 सवाल रहेंगे, 150 मार्क्स आपके रहेंगे। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको 3 घंटे का समय यहाँ मिलने वाला है, और जो फर्स्ट पार्ट है आपका उसके अंदर आपको 105 क्वेश्चन 105 नंबर के मिलेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर आपके 45 क्वेश्चन 45 नंबर के आप लोगों को मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको कम से कम 40% अंक लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट में 40% अंक नहीं लाते हैं तो सेकंड पार्ट आपका चेक नहीं होगा, मतलब आप इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से शायद प्रत्येक विद्यार्थी इस एग्जाम के फर्स्ट पार्ट में 40% से अच्छा स्कोर करेगा, और सबसे ज़्यादा स्कोर आपका यहीं होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके यहीं पर हैं 105। सेकेंड जो पार्ट है 45 मार्क्स का है केवल। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर विद्यार्थियों आप लोगों को अध्ययन करना है मैथ विषय को लेकर, आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान इतिहास, राजस्थान का भूगोल और समसामयिक जो विषय है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर हमें अध्ययन करना है। और सेकंड जो पार्ट है विद्यार्थियों आपका, वो विशेष रूप से पशुधन जो विषय है आपका उनके बिंदुओं से संबंधित है, तो वहां आप उस पार्ट का अध्ययन करेंगे। माइनस मार्किंग इसके अंदर 1/4 रहने वाली है, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वहां पर 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, यहाँ 1/4 माइनस मार्किंग है, ये भी अच्छी बात है। विद्यार्थियों अगर ध्यान दें तो इसमें लगभग आपके 5,900 के आसपास विज्ञप्तियां हैं, ये भी अच्छी बात है कि इतनी बड़ी वैकेंसी हमें राजस्थान पुलिस के बाद अब जो 10th पास विद्यार्थी है उनके लिए एक वैकेंसी आई है, तो ये अच्छी बात है। इससे पहले काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी एग्जाम्स का प्रतियोगी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था, तो विद्यार्थियों अभी आपके पास एक सुनहरा अवसर है, इस अवसर को खाली नहीं जाने देना है, आपको अपनी मेहनत को सुटेबल तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से आगे लेकर चलना है। चाणक्य गुरु आप सभी विद्यार्थियों के लिए अपने नए जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर बैच है वो 17 जनवरी प्रातः 9 बजे से शुरू कर चुका है, तो आप सभी विद्यार्थियों का भी अगर उद्देश्य है इस भर्ती परीक्षा में कामयाबी हासिल करने का और चंद्रगुप्त बनने का, तो चाणक्य आप सभी विद्यार्थियों का इंतजार कर रहा है, आप अति शीघ्र अपने नियमित बैच को ज्वाइन कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और आप भी बने चंद्रगुप्त। धन्यवाद।